पहले या बहुत वक्त पहले ये शिकायत शायद थी कि उमरकोट को जितना शेयर है उतना नहीं मिलना मिल रहा था, पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स हैव चेंज्ड, बहुत बेहतरी आई है। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने स्कीमें दी हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू और उसके अलावा डायरेक्ट स्कीम जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दी हैं, उन्होंने पूरे उमरकोट ज़िले में रोडों रस्तों का जाल बिछा दिया है। '22-23 में 3.5 अरब रुपए हमें मिले उमरकोट ज़िले की स्कीमों के लिए, और अभी फिर से हमने 23-24 के लिए ऑलरेडी प्रपोजल बना के दे दी हैं 2 अरब की स्कीमों के। मैं समझता हूँ अभी कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी उमरकोट ज़िले में जहाँ पर रोड रास्ते ना हो, जाल बिछा हुआ है हमारे जो और रास्ते हैं जो हमने अभी चल रहे हैं काम बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी अच्छी स्पीड में कुंडी टू बुस्टा का काम चल रहा है, कुंडी टू कपनों का काम चल रहा है, बुस्टा टू नबीसर का काम चल रहा है, नबीसर टू नोटो है, तोभा शाह टू माझाकर है, तो ये सारे जो रास्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रगुजार हैं प्रेजिडेंट जरदारी साहब के, हम शुक्रगुजार हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, जिन्होंने जिस तरह से स्कीमें दी हैं पूरे सिंध को, पर खसूसन वी मस्ट टॉक अबाउट उमरकोट।